हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियो वर्स जीनियस डॉक्टर ब्लैक मिस चैप्टर 201 टू 210 छोटी काली बिल्ली के पंजों से तबाह नन्हा कमल अपने घुटनों से लिपट गया और कमरे के एक कोने में सिसकने लगा अदिति ने लिटिल लोटस को उठाया जो इतनी जोर से रो रहा था कि वह सिस्कियों के बीच अपनी सांस रोक रहा था और अदिति ने उसे आराम देने के लिए कसकर गले लगा लिया क्या आप सुनिश्चित हो सकते हैं की आत्मा शांत करने वाली जेड़ है अदिति आत्मा जेड़ के बारे में उत्सुक थी उसका मतलब था आत्मा को शांत करने वाली जेड यदि सोन जेड का वह आधा हिस्सा आत्मा की दुनिया का शांत करने वाला जेड था तो इसने आत्माओं को आकर्षित करने की क्षमता को समझाया आत्मा को शांत करने वाली जेड़ का उपयोग किसी आत्मा की रक्षा करने और उसे ठीक करने के लिए किया जाता था और यह केवल अधूरी आत्माओं पर काम करती थी इसलिए जब कोई सामान्य व्यक्ति इसे छूता है तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता उसके मामले में यह अलग था उसने और छोटी काली बिल्ली ने पहले ही अपनी आत्माओं को विलीन कर दिया था और दूसरे युग में स्थानांतरित हो गई थी और अदिति शरीर को अपना लिया था उसकी आत्मा ने शरीर के साथ पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बनाया था और आत्मा को शांत करने वाली जेड ने पहचान की कि वह अधूरी है और उसने अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए जेड में चूसने की कोशिश की थी मैं मुझे यकीन नहीं है मुझे केवल इतना पता है कि यह बिल्कुल उस तस्वीर की तरह दिखता है जिसे मैंने देखा था और इसमें आत्मा की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा शामिल है अदिति को दिलासा देने वाले हाथों से नन्हा कमल कुछ शांत हो गया था और उसने छोटी काली बिल्ली पर एक नजर डाली और पाया कि छोटी काली बिल्ली अभी भी उस पर नजर रखे हुए थी और उसने अदिति के आलिंगन में छिपने के लिए तुरंत अपना चेहरा बदल लिया बुरा किटी उपस्थिति और ऊर्जा लिटिल लोटस ने इन दो बिंदुओं को सत्यापित किया था और इसे अदिति ब्रश के साथ सोल जेड़ के साथ खत्म करने के लिए वह लगभग निश्चित हो सकती थी कि असली सोल कैलमिंग जेड़ थी क्यूई में कैसे आया स्पिरिट वर्ल्ड किस तरह का स्थान था किंग युन कबीला सोल जेड़ पर अपना हाथ रखने के लिए उत्सुक था क्या वे जानते थे कि सोल जेड़ वास्तव में सोल शांत करने वाली जेड़ थी एक नन्ही आत्मा जेड़ अनगिनत अनिश्चितताएं लेकर आई थी और अदिति किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ने में असमर्थ थी गु को पुनर्जीवित करने का माध्यम बन सकता था यून कबीले को सोल जेड नहीं सौंपेगी उसे मोकयान युआन के दूसरे आधे हिस्से पर अपना हाथ रखना होगा एक निर्णय लेने के बाद अदिति शाही महल की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गई इतनी रात हो गई है कहा जा रहे हो जून वु याओ आलस्य से दरवाजे के सामने झुक गया और कमरे में अदिति को देखा कमरे के एक तरफ खुले ताबूत को देखते हुए छोटी लड़की की रुचिया अद्वितीय थी वह अपने कमरे में एक ताबूत ले गई जून वु याओ को देखकर अदिति हैरान थी लेकिन इस बार उसकी अभिव्यक्ति सामान्य ठंड और पाले को नहीं बल्कि उदासीनता को दर्शा रही थी मेरे साथ आइए अदिति ने जून वु याओ की तरफ देखा इस बार जून वु याओ हैरान था क्या उसने क्या सुना उसके साथ जाए छोटी लड़की ने कुछ ही घंटे पहले उसे अपना एक सौहार्दपूर्ण पक्ष दिखाया था और अब वह भागना चाहती है खुशी भी अचानक आ गई और उसके चेहरे की मुस्कान लगभग उसके कानों तक पहुंच गई उनका मिजाज बहुत अच्छा था जुन भूयाओं अदिति के पास खड़े होने के लिए चले गए कोई भी उनकी आंखों की कोमलता में लगभग डूब सकता था दुनिया में कहीं भी आप कहाँ जाना चाहते हैं अदिति ने जुन् भुयाओं को देखा जो उज्जवल रूप से मुस्करा रहा था और रूखेपन से जवाब दिया इंपीरियल पैलेस यह बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ हो अपने कौशल से तुम किंग यून कबीले की नजरों से बच सकते हो और मुझे तस्करी से इम्पीरियल पैलेस में ले जा सकते हो यह आपके लिए केक का एक टुकड़ा होना चाहिए अदिति ने पूरी गंभीरता से कहा वह नहीं जानती थी कि जून वु याओं यहाँ क्यों आया था उसकी शक्ति पर कभी संदेह नहीं था जून वु याओं के चेहरे पर मुस्कान बनी रही लेकिन उसकी आंखों में रोशनी उस ज्वार की तरफ फीकी पड़ गई जो वापस किनारे पर नहीं आया अदिति बदलाव से बेखबर थी और हड़बड़ी में बोली इस बार उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे केवल मोकयान युआन को देखने की जरूरत है यह बहुत अच्छा है मुझे बस उसे उस शापित क्राउन प्रिंस की बाहों में भेजने की जरूरत है जून वु याओं की आंखों के भीतर हत्या गहरी हो गई ठीक है वह उसे वहां ले आएगा और साथ ही उस आंखों की किरकिरी से छुटकारा दिलाएगा नवनिर्मित सम्राट जब उसने जून वु याओं से कोई जवाब नहीं सुना तो अदिति ने अपना सिर उठाया और जून वु याओं की आंखों में बदलाव देखा और उसने चिंतन में अपने होंठ काट लिए वो भूल गई थी कि जून वो याओ और उसके बीच वे सिर्फ अजनबी नहीं थे जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का उपयोग करते थे पारिवारिक पारस्परिक संचार कौशल में जून परिवार के पिता और पुत्र की जोड़ी से अपने पुनर्जन्म के बाद से उसने जो कुछ भी सीखा था उसे समेटते हुए अदिति कड़ी हो गई और उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले बड़े भाई जून वो याओ के दिल पर बिजली का एक झटका लगा सर्दी चली गई और बर्फ और बर्फ पिघल गई और वसंत पुनर्जन्म का समय था उसके दिल में हत्या की ठिठुरन वसंत के आगमन के साथ पिघल गई थी और उसके दिल को गर्म कर दिया था जून वो याओं चुप था जैसे उसका लंबा पतला शरीर अदिति के पास आने के लिए चमक रहा था उसने अपनी मजबूत बाहों को बाहर निकाला और उन्हें अदिति के छोटे शरीर के चारों ओर घुमा दिया एक बड़ी छलांग के साथ वे हवा में उड़ गए अदिति ने सहज रूप से जून वु याओं की गर्दन के चारों ओर अपने हाथों को पहुंचाया क्योंकि एक ही छलांग ने उन्हें आधे आसमान में पहुंचा दिया था जब वे हवा में उड़ रहे थे तो वह उसे ले जा रहा था ऊपर के तारे उसकी पहुंच के भीतर प्रतीत होते थे यदि वह उनके लिए बाहर पहुंचती अदिति हवा के झोंकों के बीच उसके कानों में जून वु याओं की आवाज सुनाई दी हम हम्म। फिर से कहना थोड़ी कर्कश आवाज प्रत्याशा से भरी हुई थी अदिति ने एक तक घूर कर देखा और एक क्षण पहले उसने सोचा कि जून वु याओं किस बारे में बात कर रहा था बड़े भाई अदिति के चारों ओर मुड़ी हुई बाहें कस गयीं इतनी कसकर निचोड़ना कि वह लगभग कुचल जाए आप जहां भी जाना चाहते हैं जो भी आप करना चाहते हैं बड़ा भाई आपके साथ होगा ठीक है जून वो याओ ने अपना सिर नीचे किया और अदिति को अपनी बाहों में देखा वह बहुत खूबसूरत और हल्की थी लेकिन उस समय उसका वजन एक टन था और उसे उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी नहीं तो वह उसकी पकड़ से गायब हो सकती थी अदिति ने जून वो याओ में भावनाओं की उथल पुथल -उथल्क को महसूस किया और हैरान महसूस किया और अचानक उसे एहसास हुआ यह बड़ा आदमी बेहद मजबूत हो सकता है लेकिन उसका दिल उसके जैसा ही हो सकता है अमाया और जून क्विंग से देखभाल और चिंता महसूस की थी तो उसने ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जून वो याओ ने केवल उसके साथ बातचीत की थी और किसी ने नहीं उसने उसे उस परोपकारी के रूप में माना था जिसने उसकी जान बचाई थी और उस पर निर्भरता की भावना विकसित की थी अदिति जो प्यार से वंचित थी ने स्वाभाविक रूप से जून वो याओ के असामान्य व्यवहार को अपने कड़वे अनुभव से जोड़ा ठीक है उसने थोड़ा सिर हिलाया भविष्य में उसके दादा चाचा और शायद पिता भी थे परिवार में एक बड़े भाई को जोड़ने के लिए बहुत कुछ पूछना नहीं था जून वो याओ संतोष से मुस्कराया वह नहीं जानता था कि वह क्या था जिसने इस अज्ञानी छोटी लड़की को आखिरकार खोल दिया लेकिन कोई बात नहीं वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था उनमें से दो अपने भाग्य के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे दो शब्दों के लिए दो पूरी तरह से विपरीत परिभाषाएं थी बिग ब्रदर लिन पैलेस के भीतर छोटी काली बिल्ली आंगन में बैठी थी और आकाश की ओर ताक रही थी उसकी अपर्याप्तता में कांपते हुए मिटते हुए कण को देख रही थी अरे बाप रे, मेरी मालकिन का फिर से अपहरण कर लिया गया है मालकिन क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं मुझे साथ लाओ नन्हा कमल जो एक तरफ खड़ा था उसने चुपचाप अपने छोटे पैरों को सहलाया और उस कमरे की ओर चला गया जहां जेड नेक्टर रखा हुआ था रात की अंधेरी छतरी के नीचे इंपीरियल पैलेस के भीतर और बाहर महल के गार्ड सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे जहां वे दो दो में गश्त करते थे उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था एक काली छाया उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थी अदिति जून याओ की बाहों में थी अपनी पहली उड़ान का अनुभव कर रही थी वहां अदिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस महल की ओर इशारा किया जो मोकयान युआन का शयन कक्ष था अदिति द्वारा बताए गए स्थान की ओर उतर गया महल के बाहर पहरेदारों ने देखा कि आसमान से अचानक एक परछाई उतरी है और उन्होंने सदमे में अपने हथियार लगभग गिरा दिए उन्होंने घुसपैठिए को देखा और इससे पहले कि वे पुकारते उन्होंने देखा कि छाया ने किसी को अपनी बाहों में ले लिया और उसे लिन पैलेस की यंग मिस अदिति के रूप में पहचाना पूरे इम्पीरियल सिटी में यह व्यापक रूप से जाना जाता था कि अदिति और मोकयान युवान प्यार में पागल थे और सभी मोकयान युवान द्वारा अदिति को ईस्ट पैलेस में रहने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक फरमान जारी करने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके लिए आरक्षित था महारानी उन्होंने महसूस किया कि भावी महारानी रात के अंधेरे में सम्राट के सोने के कक्षों में जाने के लिए आई थी और हैरान पहरेदारों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया फिर उनकी निगाहें उस आदमी पर पड़ी जो अपनी भावी साम्राजी को लेकर खड़ा था बस एक नजर उस पर पड़ी और उनके पैर जेली में बदल गए लगभग ठोकर खाकर जहां वे खड़े थे उस आदमी की भयानक और प्रभावशाली आभा थी और उसकी आंखों ने उन्हें डर से कांप दिया क्या महामहिम अंदर है अदिति ने पूछा कि वह जून वो याओ की बाहों से कूद गई थी उसने पहरेदारों की ओर मुड़ते हुए अपने पीछे अफसोस से भरी आंखों को नहीं देखा हाँ पहरेदारों ने कड़ा जवाब दिया अदिति घोषणा करने के लिए कहने के साथ ही कक्षों की ओर चली गई जून वो याओ ने उसका पीछा किया और गार्ड ने आगे बढ़कर उसके इरादों पर सवाल उठाना चाह जब उन्होंने पाया कि उनमें आदमी के पास एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं है वे केवल निगलने में कामयाब रहे क्योंकि वह उनके पास से गुजरा और चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया महामहिम हम अपने कर्तव्य में शिथिल नहीं थे यह सिर्फ इतना था कि जिस व्यक्ति को साम्राज्ञी लाई थी वह बहुत अधिक डरावना था अदिति ने दरवाजों पर जोर से धक्का दिया और सीधे कक्षों में घुस गई और मोकियान युआन बिस्तर के लिए कपड़े उतारते समय जम गई मोकियान युआन मुड़ा और उसके मुंग का एक कोना हिल गया जब उसने देखा कि जून वो याओं अपने कक्षों के प्रवेश द्वार पर अपने चेहरे पर खट्टे भाव के साथ खड़ा है मोकियान युआन का हाथ अभी भी उसकी बेल्ट पर बुरी तरह फंसा हुआ था और उसके कंधों से लटके हुए कपड़े एक गढ़ी हुई मांसल छाती को दिखा रहे थे हालांकि मोकियान युआन को लंबे समय से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था अदिति की देखभाल और खुद की लगातार कड़ी मेहनत के तहत उसका शरीर भी बहुत बुरा नहीं लग रहा था आत्मा मम्मफ अदिति ने स्थिति की अजीबता को नहीं देखा था और सोल जेड़ के बारे में चर्चा करने के लिए करीब जाना चाहती थी जब एक गर्म हथेली ने उसकी आंखों को ढक दिया मोकियान युवाओं ने अदिति के पीछे वाले आदमी को अजीब तरह से देखा और उसके अहंकारी रूप और उसके प्रभावशाली तरीके को देखा और वे पहले कभी नहीं मिले थे मोकयान युआन को जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंका दिया वह थी उसकी अथाह काली आंखें अदिति से धीरे से कहा लेकिन उसकी काली काली आंखें दो तलवारों की तरह थी और उन्होंने मोकयान युआन को हर तरफ चुप दिया वे आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे उसे चीर देना चाहती हूँ उनकी हत्यारा आंखें और उनकी कोमल आवाज उनके कार्यों और भावनाओं के बीच महान अंतर को उजागर करती थी मोकियान युआन इतना गूंगा नहीं था और उन आंखों के पीछे का अर्थ समझ गया था और उसने कपड़े पहनने के लिए जल्दबाजी की उसने अभी अभी उतारे हुए कपड़े पहने और उसके कपड़े पहनने के बाद चुभन कम हो गई कभी जून वु याओं अदिति की आंखों को ढकने वाले अपने हाथ को छुड़ाने के लिए तैयार था अपनी दृष्टि वापस पाने के बाद अदिति अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ उसने जून वु को देखा और जब उसे उससे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने अधिक महत्वपूर्ण मामलों की खोज में इसे छोड़ दिया और आत्मा जेर के बारे में चर्चा करने के लिए उत्सुकता से सम्राट के सोने के कक्षों में तेजी से चली गई और यह है मोकियान युआन मुखयान याओ से थोड़ा पीछे हट गया जो अदिति के पीछे खड़ा था उसने आदमी से भारी खतरे को भांप लिया जून वु याओ मेरे बड़े भाई अदिति ने पहली बार जून वु याओ को किसी से मिलवाया था बड़े भाई मोकयान युआन संदेह से भर गया उसे याद नहीं था कि जून परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति था लेकिन जब अदिति ने भाई शब्द कहा तो उसने खतरनाक आदमी की आंखों में खुशी की एक झलक देखी उस रात जब जून भुयाओं ने अमाया को बचाया था और उसे इंपीरियल पैलेस के द्वार पर लाया था सभी की निगाहें अमाया पर केंद्रित थी और वास्तव में किसी ने जून भुयाओं पर ध्यान नहीं दिया था इतनी क्या बात है कि तुम इतनी रात को मुझे खोजने आए मुखयान युवा ने खुद को खतरनाक जून भुयाओं से दूर करने के लिए अवचेतन रूप से अदिति से दूर कम रखा अदिति ने सरलता से उत्तर दिया द सोल सोलब आत्मा जेड क्या सच में अदिति जानती थी कि वह क्या कहने जा रहा है और उसने अपना सिर दृढ़ता से हिला दिया युन कबीले को सोल जेड नहीं सौंपूंगा और मुझे सोल जेड का दूसरा आधा हिस्सा चाहिए जो आपके पास है क्या अविश्वास में अदिति को देखते हुए मोकयान युआन ने चौंक कर कहा वह जून फैमिली की सोल जेड रखना चाहती है और वह इंपीरियल फैमिली का आधा हिस्सा भी चाहती है क्या वह पागल हो गई है अदिति तुम्हें सोल जेड किस लिए चाहिए यह जेड़ का केवल एक प्रतीकात्मक साधारण टुकड़ा है और यदि आप चाहें तो मैं लोगों से आपके लिए बेहतर गुणवत्ता वाला जेड प्राप्त करवा सकता हूं। जेड के एक मामूली टुकड़े के लिए किंग यून कबीले के खिलाफ जाना सबसे अच्छा निर्णय नहीं है जो आप कर सकते हैं मोक यान युवा ने हमेशा अदिति के फैसलों पर भरोसा किया था लेकिन इस बार उसने हताशा में अपने सारे बाल खींच लिए अदिति को इसके परिणामों का एहसास हो गया होगा है ना आप इसे दे रहे हैं या नहीं अदिति ने सरदा से पूछा उसकी आंखें सिगोड़ ली द सोल जेड़ आत्मा को शांत करने वाली जेड़ है अदिति का मोकियान युआन को समझाने का इरादा नहीं था क्योंकि वह जून गु से संबंधित इस मामले में लापरवाह नहीं हो सकती थी यह पहली बार था जब अदिति ने मोकियान युआन को अपनी बर्फीली निगाहों से देखा था और उसे उस ठंडक का स्वाद चखा था जो मोह जुआन को उसी घूरने से मिली थी फी और उसका गिरो उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगा लेकिन किंग यून कबीले के बारे में क्या आपने इसे स्वयं देखा है वे सोल जेड को पाने के लिए दृढ़ है और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक नहीं रुकेंगे इसे मुझे दे दो और मैं उन्हें संभाल लूंगा अदिति का किंग युन कबीले से हाथ मिलाने और शांति स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था जब उसने बाई बनाई थी युन जियान ने झार ले लिया तब वह जानती थी कि वह और किंग युन कबीला एक साथ नहीं रह सकते अदिति की बातों से मोकयान युआन का दिल उसकी जगह बैठ गया आप किंग युन कबीले के खिलाफ जाएंगे नहीं अदिति आपने जियान चेन किंग की शक्तियों को देखा है यहाँ तक कि रुई लिन सेना के साथ भी हम उनके प्रतिनिधि मंडल में बीस विषम प्रतिपादकों की ताकत का सामना नहीं कर सकते हैं मोकयान युआन अपना बयान समाप्त नहीं कर सके कमरा अचानक एक अत्यधिक दबाव से भर गया था अगले ही पल एक पहाड़ी ताकत ने उसके कंधों पर कुचल दिया उस क्षण अकेले ही उसके पूरे शरीर को अनियंत्रित रूप से हिला दिया जिससे उसके पैरों की सारी शक्ति चली गई और वह जोर से धड़ाम से फर्श पर गिर गया उसका पसीना बेरोकटोक बहता था जिससे फर्श पर उसके चारों ओर एक तालाब बन जाता था जैसा वह कहती है वैसा करो आवाज शक्ति से भरी हुई थी जो उसके कानों में पड़ी आवाज तेज नहीं थी लेकिन इसने उसके कानों को चुभने वाले दर्द से चुभ दिया था और खून उसके मुंह के एक कोने से होकर घुटनों तक टपकने लगा था वर्तमान कार्यक्रम सप्ताह में छह नियमित अध्याय समर्थित अध्याय बारह डॉलर प्रति अध्याय कतार में योगदान करने के लिए कृपया मेरे समर्थन पृष्ठ या छोटी काली बिल्ली पर क्लिक करें धन्यवाद अकेले उसकी आवाज ने उसके शरीर पर इतनी भारी चोटें पहुंचाई थी कि भारी ताकत ने उससे निकलने वाली रोशनी को लगभग डरा दिया था हरी आत्मा नीली आत्मा या यह प्रसिद्ध वायलेट स्पिरिट थी मोखयान युआन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जून वो याओं का कौशल किस स्तर तक पहुंच गया है वह इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भी जारी नहीं किया था ऐसी भयानक शक्ति आकाश के नीचे विद्यमान थी पर्याप्त ठीक समय पर अदिति की आवाज आई वह नहीं जानती थी कि यह जून वो याओ का काम था लेकिन मोकयान युआन पर जो बल लगा उसने अदिति को ज़रा भी प्रभावित नहीं किया और वह नहीं जान सकती थी कि यह कितना भयानक था मोकयान युआन के गिरते हुए रूप को देख ही वो इसके प्रभाव का अंदाज़ा लगा सकती थी उसी क्षण अदिति ने अपना कथन समाप्त किया उसके शरीर पर से बल उठा और गायब हो गया उसने अपनी बची हुई ताक़त के हर ऑन्स को बुलाया और उसने खड़े होने के लिए कड़ी मेहनत की और जून वो याओ को देखते ही उसके दिल में डर बैठ गया अदिति की तरफ से छुपाए जाने के लिए ऐसा आदमी जिसके पास ऐसी स्वर को चुनौती देने वाली ताकत है उसके साथ अदिति को किंग युन कबीले से डरने की जरूरत नहीं थी इस तरह की शक्ति के साथ प्रतिनिधिमंडल में बीस विषम एक धक्का देने वाला होगा भले ही किंग युन कबीले का शासक स्वयं आया हो उसे हार के समान अपमान का सामना करना पड़ सकता है आत्मा जेड जून वु याओं ने मोकयान युआन से पूछा मोकयान युआन ने अपने मुंह से खून पोछा और जून वु याओं पर एक नजर डाली इस बार बिना किसी हिचकिचाहट या किसी विरोध के उन्होंने सोल जेड़ लाने का आदेश दिया अदिति कार्य सौंपे जाने के बाद उसने घबराहट में अदिति से पूछा तुमने कहा था कि तुम किंग यून कबीले से निपटोगी क्या तुम अपने बड़े भाई से इसे करने के लिए कहना चाहती हो उन्हें लेने के लिए मोक यान युवा ने अपने हाथों से उसकी गर्दन पर एक व्यापक गति की हाँ अदिति ने सच्चाई से जवाब दिया मोक यान युवा सदमे में पीछे हट गया ऐसे ही क्या वह बहुत क्रूर नहीं था किंग युन कबीला बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं हो सकता था लेकिन उन्होंने कोई अपमानजनक अत्याचार भी नहीं किया था और आपने फैसला किया है थोड़ा सा ओवरबोर्ड है ना नोकयान युआन को पता था कि हालांकि किंग युन कबीला सोल जेर को नहीं छोड़ेगा लेकिन अदिति कुछ हद तक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय निकलने में थोड़ा मुश्किल था इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल किंग युन कबीले का पूरा नहीं था अगर उन्हें कुछ भी होता है तो किंग यून कबीला निश्चित रूप से प्रतिशोध की कार्रवाई करेगा क्या अकेला जून वो याऊ किंग यून कबीले की ताकत और उनकी उधार ली गई तलवारों के प्रतिशोध के खिलाफ खड़ा हो सकता है यदि संभव हो तो मोकियान युआन शांति बनाए रखना और चीजों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना पसंद करेंगे अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया बस विवादित मोकियान युआन को देखा वह उसकी चिंताओं को समझती थी वह अब क्यूई का सम्राट था और उसने जो कुछ भी किया उसे बड़े पैमाने पर राज्य के हितों पर विचार करना था लेकिन बहुत अधिक दयालु और उदार होने के कारण एक अच्छा शासक नहीं बन सकता अदिति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से पूछा तुम्हें लगता है कि मैं बहुत क्रूर हो रही हूँ अदिति के सवाल के साथ उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हैं और एक बार फिर से उस पर ठंडी निगाहें टिक गई हैं नहीं मैं बस सोच रहा था कि हमें अनुचित तरीके से नहीं मारना चाहिए अदिति ने मोकियान युआन का सर्वे किया उसने सिंहासन पर चढ़ने के लिए मोकियान युआन को चुना क्योंकि वह अपने क्रूर और बेईमान पिता और भाई के विपरीत सरल और दयालु था उसे जून परिवार के लिए ढाल बनने के लिए तैयार किया गया था और यह ढाल खुद को मजबूत और मजबूत दिखा रही थी बल्कि थी यह केवल बचाव कर सकता था लेकिन हमला नहीं कर सकता था कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा तुम नरम हो मोकियान युआन का चेहरा काला पड़ गया ऐसा नहीं था कि वह बहुत नरम हो रहा था यह अदिति का क्रूर होना था चलो एक शर्त लगाते हैं अदिति मोकियान युआन की ओर मुड़ी ढाल को थोड़ा तेज करने का समय आ गया था कैसी शर्त क्या किंग यून कबीला अपनी मौत की तलाश करेगा अदिति ने कहा उसकी आंखें जरा सी सिकुड़ी हुई है वर्तमान कार्यक्रम सप्ताह में छह नियमित अध्याय समर्थित अध्याय बारह डॉलर प्रति अध्याय कतार में योगदान करने के लिए कृपया मेरे समर्थन पृष्ठ या छोटी काली बिल्ली पर क्लिक करें धन्यवाद आपका क्या मतलब है मोक यान युवा के दिल की धड़कन रुक गई मैं हर कीमत पर सोल जेड रख रहा हूं और इसे किसी को जारी नहीं करूंगा क्या आप यह नहीं सोच रहे हैं कि मैं बिना किसी अच्छे कारण के उन सभी को मारना चाहता हूँ और मैं शातिर और क्रूर हो रहा हूँ फिर देखते हैं कि किंग यून कबीला क्या करेगा जब हम सोल जेड़ को सौंपने से इनकार करते हैं जबकि वे जानते हैं कि यह हमारे हाथ में है अदिति पहले स्ट्राइक से निपटने में पल्ला भारी चाहती थी लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था कियान युआन की नीरस ढाल को एक तेज ढाल में बदलने के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं उनके गुनगुने स्वभाव को थोड़ा संभलने की जरूरत है जून परिवार भविष्य में अन्य दुश्मनों और समस्याओं का सामना करेगा और अदिति हर समय मोकयान युवान के उदार दिल से निपटने का सामना नहीं करना चाहती थी भविष्य में बार बार आने वाले दुहस्वप्न को रोकने के लिए उसने मोकयान युवान को चक्की में डालना चुना एक बार जब वह शत्रु की क्रूरता और क्रूरता को देखेगा तो वह समझ जाएगा एक उदार हृदय ही उसे मार डालेगा कल किंग यून कबीले को बताएं कि जून परिवार का आधा सोल जेड़ परिवार में हमारे बुजुर्गों के साथ दफन हो गया था और उम्मीद है कि वे अपनी खोज को छोड़ सकते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी यह उनके नियंत्रण से बाहर होगा मोकयान युआन की आंखों में भावनाओं का मिश्रण दिखाई दे रहा था उसने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति पहली बार में किंग युन कबीले के आगे झुक जाएगी और किसी तरह उसने महसूस किया कि उसके इरादे उतने सरल नहीं थे जितना उसे बताया गया था ठीक है मैं कोशिश करूंगा मोक यान युआन ने आह भरी जियांग चेन किंग से निपटना आसान व्यक्ति नहीं था लेकिन किंग यूयान बहुत समझदार व्यक्ति लग रहे थे जब वे बात कर रहे थे गाज सोल जेड़ लाए और मोकियान युआन को भेंट की जिन्होंने इसे अदिति को सौंप दिया आत्मा शांत करने वाली जेड़ का दूसरा आधा हिस्सा एक ब्रोकेट बॉक्स के भीतर रखा गया और अदिति ने इसका निरीक्षण करने के बाद कवर को बंद कर दिया और इसे सुरक्षित रूप से रख दिया मोकियान युआन ने पहले सोल जेड़ को देखा था और इसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं समझा था उसने उम्मीद नहीं की होगी कि सोल जेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अदिति को किंग युन कबीले के खिलाफ खड़ा कर देगा वह आगे की जांच नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे भरोसा था कि अदिति ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसके अपने अच्छे कारण थे अदिति के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था कि उसके हाथ में क्या था और दाव लगा हुआ था वह कक्षों को छोड़ने के लिए मुड़ी और जून वु याओं ने पीछा किया जहां वे बाद में गायब हो गए कियान युआन के रहने वाले कक्षों के बाहर अदिति ने तारों भरे आकाश में देखा और जून वु याओं की ओर मुड़ी जो उसके पीछे पीछे चल रहा था जून वु याओं मुस्कुराए और सहजता से अदिति के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया एक छलांग के साथ वे एक बार फिर आसमान में उड़ गए कक्षों के बाहर पहरेदार आकाश में उड़ती हुई आकृतियों को देखकर अवाक रह गए और आश्चर्य में पड़ गए तारों वाली रात के नीचे ठंडी हवा उनके पास से गुजरी ठंड ने जून वु को जरा भी प्रभावित नहीं किया उसकी बाहों में औरत हमेशा ठंडी और निर्दयी थी लेकिन उसकी बाहों में और उसकी छाती से दबी हुई एक गर्माहट थी जो उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई थी आपका समय उस दमी के साथ दाव लगाने में क्यों व्यतीत हुआ अगर आपको लगता है कि यह रखने लायक नहीं है तो इसे फेंक दे तलवार को तेज होने से पहले उसे तराशना पड़ता है मैं इसे चक्की के नीचे रख रहा हूँ हो सकता है कि अदिति ने जून वु याओ को देखने के तरीके में बदलाव के कारण उसके साथ इतना साझा किया हो तेज धार वाली तलवार जून वु याओ ने आगे कोई टिप्पणी न करते हुए एक भाव उठाई मुख्यान युआन बुद्धिमान है वो चीजें जो पूर्व सम्राट ने उसे नहीं सिखाई थी मैं उसे सिखा सकता हूँ क्यूई साम्राज्य को एक सम्राट की आवश्यकता थी मुझे सिंहासन के लिए एक वैध उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी जो जून परिवार के प्रति कृतज्ञता का एक बड़ा ऋणी हो एक महान सम्राट होने के मार्ग में शुद्ध और पूर्ण परोपकार के लिए कोई स्थान नहीं था मुखयान युवाओं को पूर्व सम्राट द्वारा त्याग दिया गया था और उसका तिरस्कार किया गया था और उसे बहुत कुछ सीखने का मौका नहीं मिला था अदिति ने उसे एक सक्षम सम्राट बनने के लिए प्रशिक्षित करने और निर्देश देने में कोई आपत्ति नहीं की मेरा छोटा प्रिय उसके लिए विशेष रूप से अच्छा है जूनभु याओ ने हंसते हुए कहा लेकिन उनकी आंखों में जरा सी भी खुशी नहीं दिखी अच्छा अदिति ने मन ही मन सोचा उसे नहीं लगा कि उसने मोकयान युआन के साथ किसी भी तरह से अच्छा व्यवहार किया है वे सिर्फ अपने स्वार्थ साधने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे मैंने ऐसा करने की हिम्मत की क्योंकि तुम यहां हो अदिति ने जूनभु याओं को देखने के लिए अपना सिर उठाया अगर अदिति के पास असाधारण रूप से कुशल जुन वु याओं नहीं होते तो वह पहला हमला करने का मौका नहीं जाने देती लेकिन जून वु याओं के सामने किंग युन कबीला उसे हराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था वह मौके का पूरा उपयोग कर सकती थी हर चीज का पूरा उपयोग करना उसके काम करने का तरीका था जून वु याओं हैरान था और उसकी आंखों में उल्लास भर गया अदिति ने जो कहा था उसने बिना सोचे समझे वध करने वाले द्वेषी हत्यारे को बहुत प्रसन्न किया था आप जो चाहते हैं मैं इसे पूरा करूंगा जून वु याओं ने हंसते हुए कहा यह बस कुछ और दिनों के लिए था वह उन महत्वहीन कीड़ों को थोड़ी देर और जीवित रहने देगा अदिति ने अपनी आंखें झपकाई और सोचा कभी कभी जून वु याओं उसे अमाया से अधिक बिगाड़ देता है उसका यह बड़ा भाई बिल्कुल भी बुरा नहीं था अपना मुंह खोलो अदिति ने अचानक कहा जूनवु याओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मुंह खोल दिया और अगले ही पल थोड़ा सा मीठा अमृत उसके मुंह में गिरा दिया गया और यह उसके गले के नीचे चला गया उसके मुंह में एक मीठी सुगंध आ गई और उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई उसकी शराओं और धमनियों ने गर्मी से पोषण ग्रहण किया और उसने हल्का और आराम महसूस किया जून वो याओ की मुस्कान फैल गई और उसे नहीं पता था कि अदिति ने उसे क्या खिलाया अदिति ने अपने हाथों से बनाया था और केवल जून परिवार के पिता और पुत्र के पास ही इन्हें चखने का सौभाग्य था और अदिति ने आज उसे एक खिलाई थी यह रात उसके लिए सबसे शानदार रात थी क्योंकि वह उन जंजीरों से मुक्त हो गया था जब वे लिन पैलेस में वापस आए तो रात पहले से ही मौत जैसी खामोशी थी जून वो याओ अदिति को ले जा रहा था और उसका पैर अभी अदिति के आंगन में ज़मीन पर पड़ा ही था कि उसे शराब की मोटी मादक सुगंध की गंध आई वह आकर्षक सुगंध आंगन के भीतर घूमती थी और गंध ने एक और के लिए लालसा पैदा कर दी थी यह जेड़ अमृत की खुशबू आ रही है अदिति ने अपनी नाक सिकोड़ ली वह बहुत ही जानी पहचानी गंध थी जिसका हिमकमल की खेती में उसे प्रतिदिन सामना करना पड़ता था लेकिन वह इतनी तेज कभी नहीं थी इससे पहले कि अदिति कुछ समझ पाती कि क्या हुआ है कमरे के अंदर से अचानक दहाड़ने की आवाज आई तुम नीच लड़के मुझे जाने दो छोटी काली बिल्ली ने म्याओं म्याओं की और कमरे के अंदर से दहाड़ मारी और फिर से धमाके और खड़खड़ाहट खर की आवाज सुनाई दी जून वो याओ उत्सुक था और एक अंधेरे चेहरे वाली अदिति का पीछा करते हुए कमरे में घुसा एक सुंदर युवा उसका चेहरा लाल हो गया नशे में धुत होकर काले जानवर पर चढ़ गया उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर जम गए उसकी निष्पक्ष त्वचा जानवर पर चिकना काले फर के विपरीत थी क्रूर काला जानवर अपनी पीठ पर जवानी लिए हुए लगातार फर्श पर खुरच रहा रहा था था उस दुष्ट को दूर फेंकने का प्रयास कर कमजोर दिखने वाले युवक के बजाय एक टन वजन का लग रहा था काले जानवर के ऊपर मजबूती से बैठा हुआ उसके बाएं हाथ में एक शराब का जार उसके लाल लाल चेहरे पर मुंह बुरी तरह से हंस रहा था कदम चलो भी कदम तुम मुझे हमेशा की तरह क्यों नहीं मारते इसे अजमाए नशे में धुत लोटस का मुम कोनों पर मुड़ा हुआ था उसके पतले पैरों ने लोहे की पकड़ में काले जानवर के गुच्छे को मजबूती से पकड़ रखा था उसका पतला सुडौल शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ था और अपने खाली हाथ से उस काले जानवर की पूंछ को उठा लिया जो उग्र रूप से घूम रही थी और उसे कसकर पकड़ लिया पूंछ उसकी हथेली में जोर से पीछे खींची और नशे में धुत कमल ने उसे मरोड़कर जोर से खींचा ग्या काले जानवर ने एक कान छिदवाने वाली दहाड़ निकाली अदिति की आंखों में एक तूफान सा आ गया क्योंकि उसने उलझे हुए फूल और जानवर को देखा उसकी चिलचिलाती निगाहें कमरे के कोने में शराब की अलमारी पर टिक गई जहां जेड नेक्टर के जार और जार ने इसे पूरी तरह से भर दिया था जब उसने सावधानी से छाट उन्हें पहले से व्यवस्थित कर लिया था अब यह सब गड़बड़ हो गया था क्योंकि कैबिनेट में खाली जार बेतरतीब ढंग से अपने किनारों पर पड़े थे और कई और जार जमीन पर टूटे हुए पड़े थे चारों ओर बिखरे हुए थे अविश्वसनीय रूप से कीमती जेड नेक्टर छलक रहा था कोई आश्चर्य नहीं कि गंध इतनी जोर से हवा में लटकी हुई थी उसके सामने के नज़ारे ने उसकी आंखों को बुरी तरह से ठंडा कर दिया और वे भयानक रूप से संकुचित हो गई उनसे अलग करो अदिति ने धीरे से कहा जून वो याओ जानता था कि वह उससे बात कर रही थी और एक शब्द भी कहे बिना वह युद्ध के मैदान में बह गया क्योंकि उसकी लंबी बाहें ड्रंक लोटस तक पहुंच गई जून वो याओ के करीब आने तक अदिति के लौटने पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसने आश्चर्य में अपना सिर उठाया था काश उसे यह बहुत देर से पता चलता जिस क्षण नशे में धूत कमल ने अपना सिर उठाया जून वो याओ ने अपने हाथों को अपने कंधों पर जकड़ लिया था उन बेहद मजबूत हाथों ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि उसे लगा जैसे उसके कंधों की हड्डियां टूटने वाली है धत तेरी की नशे में लोटस ने शाप दिया उसने अपने फुर्तीले शरीर को मोड़ा और पलटवार किया कोहनी पर जून वो याओ को पकड़ लिया और अपने पैरों को मजबूती से उसके नीचे दबा दिया उसने तेजी से धक्का दिया जून वो याओ खड़ा खड़ा था एक अचल पर्वत जैसे ही उसने नशे में धुत युवक पर अपनी भौहें उठाई यह एक अच्छा कदम था लेकिन एक गलत प्रतिद्वंद्वी पर इस्तेमाल किया गया जून वो याओ का मुंह मुस्कुराहट से भर गया और नशे में लोटस के कंधों को पकड़ने वाले हाथ मुड़ गए और नशे में कमल की आंखों में पीड़ा दिखाई दी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी ताकत उससे बाहर निकल रही है काला जानवर अपनी नई स्वतंत्रता पर प्रतिशोध में उछला लेकिन उसकी गर्दन से पकड़ लिया गया और आसानी से उठा लिया गया यह गुस्से में चेहरे पर बदल गया बैंगनी आंखों की एक जोड़ी और उन आंखों ने युद्ध के सारे उत्साह को पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया जो उसके भीतर व्याप्त था और वह उस विशाल हाथ में लंगड़ा कर लटका हुआ था काफी था अदिति ने हाथ जोड़कर शांति से पूछा झून वु याओ के दोनों हाथों से लटके दो गुंडों को घूरते हुए वह नेहा शब्द थी वह कब तक चली गई थी अदिति को देखते ही काला जानवर और नशे में कमल नम्र हो गए उसकी आंखों से कड़कड़ाती ठंड को उस जोड़े द्वारा महसूस किया गया जिसने अपना सिर लटका लिया था क्योंकि वे आंखें दो दोषी चेहरों पर घूम रही थी सर्द निगाहें पहले काले बालों वाले चेहरे पर पड़ी फिर युवा और मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुंदर चेहरे पर झूल गई इससे पहले कि वह वापस आ गई बोलना उस आवाज़ ने उसी क्षण उनके हृदय को झकझोर दिया काला जानवर चिल्लाया मालकिन जिस क्षण तुम चले गए उस छोटे से चोर ने तुम्हारी कीमती शराब चुरा ली मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था वह फिर बदल गया और मुझे मारने के लिए गाल था ड्रंक लोटस के साथ काले जानवर की यह दूसरी मुठभेड़ थी पहली बार वे नहीं लड़े थे क्योंकि अदिति मौजूद थी इस दिन उनका दूसरा मुकाबला उसी क्षण शुरू हुआ जब अदिति ने जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया था और लिटिल लोटस की लोलुपता हावी हो गई थी और वह शराब की कैबिनेट की तरफ लपका जिस क्षण उसे जार पर अपने छोटे छोटे गंदे हाथ मिले उसने जेड नेक्टर को प्रचुर मात्रा में नीचे गिरा दिया छोटी काली बिल्ली को पता चल गया था और उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की नन्हा लोटस नशे में धुत हो गया और डैशिंग ड्रंक लोटस में बदल गया जिसने छोटी काली बिल्ली की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और उसके मुंह में जेड़ अमृत के जार के बाद जार डाला असहाय छोटी काली बिल्ली अपने धमाकेदार जानवर के रूप में तब्दील हो गई और नशे में लोटस पर आ गई काश इरादा नेक होता अंत दुखद उसने बहादुरी और बहादुरी से हमला किया था लेकिन दुबलेप्ले कुपोषित युवक के एक मुक्के ने उसे गिरा दिया था और वह पूरी रात उसकी पीठ पर बैठा रहा काला जानवर पूरी बात से काफी दुखी महसूस कर रहा था यहां तक कि सोने का शेर भी खा गया था लेकिन नन्ही छड़ी के पतले और बेशन फूल के सामने वह अपमानित और लाचार था इसका कोई मतलब नहीं था अदिति के मन में चल रहे थे पर नन्ही काली बिल्ली को रात की घटना सुनाकर वह गंभीर हो गई और क्रोध उसकी आंखों से ओझल हो गया गहरी सोच में वह नशे में धुत कमल के सामने खड़ी हो गई अदिति अच्छी तरह से जानती थी कि परिवर्तन के बाद छोटी काली बिल्ली कितनी मजबूत थी और विशेष रूप से सोने के शेर को खा जाने के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी हालांकि नशे में कमल काले जानवर को दबाने और असहाय करने में सक्षम था अदिति ने हमेशा सोचा था कि लिटिल लोटस अन्य तरीकों से उपयोगी होगा और उसकी लड़ाई की क्षमता खुद मालकिन से भी कम थी लेकिन आज ड्रंक लोटस के कार्यों के माध्यम से यह पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो सकता है आप लड़ सकते हैं अदिति ने लाल मुख वाले मधवाले कमल पर अपनी आंखें सिकोड़ ली अदिति के सामने एक चूहे के रूप में वशीभूत और नम्र हो गया था उसने धीरे से उत्तर दिया मैं बिल्ली से आसानी से लड़ सकता हूँ पहले और बाद में विपरीत बहुत बड़ा है अदिति ने कहा लिटिल लोटस और ड्रंक लोटस के व्यक्तित्व और लड़ने की क्षमता में काफ़ी अंतर था बर्फ के कमल स्वाभाविक रूप से अच्छी शराब पर पनपते हैं और शराब के पोषण के बिना मेरी शक्तियां प्रकट नहीं हो सकती नशे में धुत कमल ने उदास होकर कहा यदि वह नहीं होता तो वह इस समय उस नृशंस बिल्ली द्वारा इस हद तक धमकाया नहीं गया होता वह सच बोलता है जून वो याओ ने अचानक कहा उसने देखा कि उसका छोटा शैतान नशे में कमल में दिलचस्पी दिखा रहा था और शालीनता से समझाया किम कमल को इस तरह दिखने वाला माना जाता है वे जितनी अधिक अच्छी शराब पीते हैं वे उतने ही मजबूत हो जाते हैं वे शराब के लिए एक अतृप्त प्यास के साथ पैदा हुए हैं आपके छोटे बुदबुदाते कमल की शराब की चोरी दुर्घटनावश नहीं हुई अदिति ने सिर हिलाया यदि ऐसा था तो उसकी अनुबंधित रिंग स्पिरिट उतनी बेकार नहीं थी जितनी उसने मान ली थी लेकिन यह नशे में धुत कमल के लिए इन सभी जेड अमृत को नष्ट करने और बर्बाद करने का कोई बहाना नहीं था अदिति ने अपना हाथ उठाया और नशे में धुत कमल की ठुड्डी पकड़ ली जैसा कि उसने संकुचित आंखों से कहा यदि आपको पेय की आवश्यकता है तो ठीक है लेकिन यहाँ की शराब आपके लिए बंद है नशे में धुत लोटस उन आंखों की फौलादी निगाहों के नीचे एक सुनहरी मछली की तरह छिप गया और एक भी शब्द नहीं बोल पाया इससे पहले कि उसने सिर हिलाया इस्तीफा दे दिया अदिति संतुष्ट थी और उसने अपनी ठुड्डी को जाने दिया वह युद्ध में अपने कौशल की कमी से चिड़ गई थी और यद्यपि छोटी काली बिल्ली ने एक तरह से इसके लिए तैयार किया वह संतुष्ट नहीं थी अगर ड्रंक लोटस अपने मजबूत सेनानियों के शस्त्रागार में जोड़ सकता है तो वह बिल्कुल भी जर्जर जोड़ नहीं होगा वह कितना मजबूत है अदिति ने जून वु याओ से पूछा जून वु याओ ने उत्तर दिया यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना पीता है और क्या पीता है यदि उसे पर्याप्त मात्रा में उत्तम दाखरस प्रदान किया जाता है तो उसे बैंजनी स्तर की आत्मा के नीचे किसी भी चीज से जूझते हुए पसीना नहीं बहाना चाहिए नशे में लोटस की ताकत जून वु याओं के नोटिस के नीचे थी लेकिन उसका छोटा शैतान बहुत संतुष्ट दिख रहा था पूरी दुनिया में नीली आत्मा उनकी सीमा रही है पिछली शताब्दी में एक भी बैंगनी भावना हासिल नहीं हुई थी नशे में लोटस की लड़ने की शक्ति क्यूई में सबसे शीर्ष और बेहतरीन सेनानी थी जो दाकमधुतु ने पहले मुझे दिया या क्या अब वह तेरे पास है अदिति ने जून वु की ओर देखते हुए पूछा जून वो याओ मुस्कुराया छोटा शैतान अपनी भावनाओं के साथ कंजूस था लेकिन वह शराब की अपनी मांगों को लेकर जरा भी शर्मिला नहीं था वह जेड़ अमृत के साथ भाग नहीं ले सकती थी और उसने अपना ध्यान अपने जेड़ मून पर स्थानांतरित कर दिया था जब तक आप इसे चाहते हैं मैं आपको वह सब लाऊंगा जिसकी आपको आवश्यकता है आप उन्हें नीचे रख सकते हैं अदिति ने कहा उसकी अनुमति से काले जानवर और नशे में धुत कमल ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली यहां अदिति के साथ दोनों उपद्रवी असामान्य रूप से चुप रहे यदि आपको भविष्य में अपनी प्यास बुझाने की आवश्यकता है तो उससे प्राप्त करें अदिति ने नशे में कमल को बताया नशे में धुत लोटस ने जून वो याओं पर एक नजर डाली और उसका दिल भय से भर गया वह इस आदमी को हरा नहीं सका वह बहुत शातिर था यह सौभाग्य की बात है कि वह एक आत्मा था और मानव नहीं एक इंसान अपने हाथों को खो देता अगर वह उस मौत की चपेट में नहीं आता जिससे उसने उसे जकड़ रखा था उसकी मालकिन ने उसे ऐसे भयानक आदमी से ठीक करने के लिए कहा नशे में धुत कमल ने अचानक महसूस किया उसके आगे के दिन लंबे और कठिन होने वाले थे अगली सुबह सुबह की अदालत के शुरू होने की प्रतीक्षा किए बिना किंग यून कबीले ने इम्पीरियल पैलेस के मुख्य हॉल में अपना रास्ता बना लिया मोकियान युआन अपने अधिकारियों और जनरलों के सामने सिंहासन पर बैठे ही थे कि किंग यून कबीले के दबंग प्रवेश द्वार ने उन्हें मुख्य हॉल से पीछे हटने के लिए डरा दिया और मोकियान युआन का चेहरा काला पड़ गया आत्मा जेड कहा है जियांग चेन क्विंग ने यह नहीं देखा था कि उनके दबंग कार्यों ने सम्राट के रूप में मुखियान युआन की स्थिति को धूल में मिला दिया था जब वे बिना किसी घोषणा या सूचना के अंदर आ गए और हॉल के बीच में खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर विभिन्न अधिकारियों और जनरलों को तितर बितर कर दिया हो सकता है कि यह उसकी नजर से बच बचना गया हो लेकिन उसने इतने छोटे से राज्य के शासक के लिए किसी भी तरह की खुशामद करने की परवाह नहीं की मुखियान युआन ने भीतर उठ रहे असंतोष को दबा दिया और मुस्कुराते हुए कहा आप बहुत जल्दी में हैं पुरुष हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए सीटें उपलब्ध कराएं हिजड़ों का एक समूह कुर्सियां लाया और किंग यून कबीले का प्रतिनिधिमंडल बैठ गया फिलहाल हम यू शियान की मूर्खता को एक तरफ रख देंगे लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि पूर्व सम्राट और किंग यून कबीले के बीच समझौता अभी भी कायम है और हमारा मतलब क्यूई में गड़बड़ी पैदा करना नहीं है लेकिन हम करेंगे महामहिम से शीघ्रता से सोल जेड हमें सौंपने के लिए कहें और हम अपने मिशन को पूरा करने के साथ किंग यून कबीले में वापस आ सकते हैं जियांग चेन किंग सीधे मुद्दे पर आए उन्होंने भले ही शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया हो लेकिन उनके लहजे और व्यवहार में तनिक भी ढिलाई नहीं दिखाई दी यहां तक कि अच्छे स्वभाव वाले मोकियान युआन को भी गुस्सा आ गया था लेकिन किंग युन कबीले की ताकत का सामना करते हुए उसने इसे निगल लिया और अपना संयम बनाए रखा उस समय उन्हें अदिति के इन घमंडी बदमाशों को मारने के सुझाव पर सहमत नहीं होने के लिए खुद से नफरत थी बजाय इसके कि उन्हें अब यहाँ अकड़ते और बड़बड़ाते देखा जाए आ, आप उसके लिए यहाँ आए थे मैं कल इसके लिए सहमत हो गया था और मैंने स्वाभाविक रूप से अपने लोगों को रात भर आत्मा जेड़ को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया था लेकिन उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा मोकयान युआन ने कल रात बस इसके लिए अपनी स्क्रिप्ट सोची थी संकट क्या समस्या है जियांग चेन क्विंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया था अगर बाई युन शियान ने ऐसा बेतुका संदेश नहीं भेजा था उन्होंने इसके लिए इतने भारी संसाधन नहीं जुटाए होंगे युन कबीले में एक सम्मानित और श्रद्धेय बुजुर्ग के रूप में क्यूई का छोटा साम्राज्य उनके ध्यान में था यहाँ आने के लिए मजबूर किए जाने के बाद वह बस जल्द से जल्द जाना चाहता था आत्मा जेड वास्तव में राज्य में है और जैसा कि आप जानते होंगे हमारे संस्थापक पूर्वजों ने इसे दो में तोड़ दिया और एक आधा लिन पैलेस के जून किंग को दे दिया और दूसरा आधा इम्पीरियल पैलेस में रखा दस साल पहले अमाया ज्येष्ठ युद्ध में मारा गया था और दुखी अमाया ने अपने आधे सोल जेड को अपने बेटे जूनबू के साथ दफन कर दिया था और दूसरे आधे हिस्से के लिए इसे पूर्व सम्राट के साथ शाही मकबरे में सील कर दिया गया था जब उन्होंने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया था मोकयान युआन ने धीरे से बताया पूर्व सम्राट अभी भी कालकोठरी में बंद था लेकिन उसकी मृत्यु की घोषणा लोगों को कर दी गई थी पूर्व सम्राट का मकबरा सिर्फ एक मुखौटा था और जो वहां दफनाया गया था वह मृत्युदंड का शरीर था यह बात सिर्फ दो लोगों को पता थी मोकयान युआन और अदिति अकेली जबकि मोकयान युआन ने अपना तैयार भाषण बताया था उसकी निगाहें किन यू यान की ओर घूम गई थी उसे अभिमानी जियांग चेन क्विंग से कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं थी लेकिन उसने शिक्षित और सुसंस्कृत एल्डिस्ट मिस के लिए थोड़ी उम्मीद रखी थी ताकि वह मृतकों के शाश्वत विश्राम की पवित्रता का सम्मान कर सके और उनकी खोज को छोड़ सके हालांकि जब मो कियान युआन ने समाप्त किया तो जियांग चेन क्विंग का चेहरा बहुत काला पड़ गया था वह मो कियान युआन को घूरते हुए खड़ा हो गया और बोला क्या बकवास है आप जेड को कैसे दफना सकते हैं ऐसा अज्ञान सोल जेड के दो हिस्सों को अभी पुनः प्राप्त करें मुझे परवाह नहीं है कि आप कब्र खोदते हैं या कब्रों को खोलते हैं इस बार मैं अपने हाथ में सोल जेड चाहता हूँ बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी जियांग चेन क्विंग की पहली मांग मोकियान युआन और जून परिवार को कब्रों को अपवित्र करने की थी